नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सलदस्तक। लो, राज्यसभा में एक बड़ी बहस हुई है रिजर्वेशन को लेकर। सरकार की तरफ से थावरचंद गहलोत बोल रहे थे, वो वही सब कह रहे थे कि बाबा साहब को अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट का भी मसला उठा है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिर रिजर्वेशन कब तक, ये भी संसद में मसला उठा है। मनोज झा संजय सिंह का भाषण सुनाऊंगा और आपको बता दें कि जो मिश्रा जी हैं उनका भी भाषण सुनाऊंगा। काश बहुजन समाज के पास संजय सिंह जैसे सांसद होते तो स्थिति न होती। लेकिन अभी सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, सोचिए, एक तरफ बाबा साहब के घर बनाने की बात बीजेपी कर रही है, लेकिन ओबीसी के ओबीसी कोटा नीट ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। मुझे पता है आप लोग सो रहे होंगे, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, लेकिन चूंकि समाज का मुद्दा है तो मुझे जगना पड़ेगा। बाबा साहब कहते थे कि मेरा समाज सोया हुआ है, इसलिए मुझे जगना पड़ता है। हमारे पास पत्रकारिता नहीं है, टेलीविजन अखबार नहीं, इसलिए सोशल मीडिया के जरिए कोशिश होती है कि जितना कम समय है, जीवन का भरोसा नहीं है, इस सरकार का भरोसा नहीं है, कब आपको जेल में डाल दे, कब कोई आपको मनुवादी मार दे, तो जितना समय है उतना समय समाज को दिया जाए, उस पर काम किया जाए। तो 2006 से शिक्षा में ओबीसी आरक्षण है, लेकिन मेडिकल एडमिशन नीट के ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी को आरक्षण नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पालन नहीं कर रहा है। 2021 का फॉर्म आ गया, उसमें भी ओबीसी नहीं है। कब तक चलेगा ये नरेंद्र मोदी ओबीसी कोटा इन नीट? चंद्रशेखर रावण ने इसको ट्वीट किया है, उसके बाद से इस मुद्दे को उठाया था डॉक्टर सोनू ने, जो हमसे हो सकता है जुड़ भी जाए। और सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट जो कहता है कि कब तक आरक्षण, उसी सुप्रीम कोर्ट में 27 आरक्षण, कोर्ट का पंगा, कोर्ट टांगरा देती है। SC ST प्रमोशन में आरक्षण, कोर्ट टांगरा देती है। जाट आरक्षण, कोर्ट टांगरा देती है। मराठा आरक्षण, कोर्ट टांगरा देती है। गुर्जर आरक्षण, कोर्ट टांगरा देती है। 200 पॉइंट रोस्टर, कोर्ट टांगरा देती है। तमिलनाडु आरक्षण कानून, कोर्ट टांगरा देती है। झारखंड आरक्षण कानून, कोर्ट टांगरा देती है। कोर्ट कहाँ टांग नहीं अड़ाती है, SC ST OBC को बाहर करके EVS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण, ओम शांति शांति। ये सच्चाई है इस देश में, और ये सारे फैसले आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक बहुजन समाज के जज नहीं होंगे, तब तक आपके साथ ये सारा होता रहेगा। और मैं आपको सुनाता हूं, पहले आज जो राज्यसभा में बहस हुई है, ये संजय सिंह का भाषण सुनते हैं। धन्यवाद माननीय, जय जय, धन्यवाद माननीय संजय सिंह जी, 2 मिनट। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस बिल पे मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, अभी कई बातें यहाँ पर इस सदन में कही गई, LOP जी के द्वारा भी, मनोज जी ने भी सवाल उठाया। जहां तक इस सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है मान्यवर, हिंदुस्तान में दलितों की, पिछड़ों की अगर सबसे ज्यादा विरोधी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार है। और यह बात मैं आंकड़ों के साथ कहना चाहता हूं। रेल के अंदर नौकरियां खत्म करके आपने आरक्षण खत्म किया, सेल के अंदर नौकरियां खत्म करके आरक्षण खत्म किया, विश्वविद्यालयों में आरक्षण खत्म किया। और बड़ी हास्यास्पद बात अभी कही जा रही थी यहां पे कि मंडल कमीशन के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी थी। अरे सर, पूरा हिंदुस्तान जानता है मंडल के खिलाफ कमंडल ये लोग लेके आए, और स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार को अगर किसी ने गिराया तो भारतीय जनता पार्टी ने वो महापाप और अपराध किया है। आप कैसे आरक्षण की बात करते हैं? आपके राज्यों में दलितों की हालत क्या है? हाथरस कांड हुआ मान्य, वाल्मीकि समाज की एक बच्ची के साथ दरिंदगी और बर्बरता की गई, और बलात्कारियों के पक्ष में सरकार खड़ी रही। सरकार मैं सर खत्म कर रहा हूं। गुजरात के अंदर एक दलित समाज का बच्चा मूछ रख के जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। उत्तर प्रदेश में घोड़ी पर बैठकर एक दलित शादी करने जाता है, उसके ऊपर हमले होते हैं। आपके राज्यों में ये हो रहा। और मैं पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ के आप बता दीजिए कौन भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष आज तक दलित समाज से हुआ, आज इसको बताइए। आपकी इतनी राज्यों में सरकारें बनी, 2 मिनट का समय है सर, आपकी इतने राज्यों में सरकारें बनी, आज इस सदन में आप बताइए दलित समाज के किसी एक व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री किसी राज्य के अंदर, माननीय आपकी विचारधारा, आपका समय, एक भी प्रमुख
आपने थैंक यू। ये पार्टी विचारधारा में अपने मूल में दलितों की पिछड़ों की विरोधी पार्टी है मानव। थैंक यू। और इसलिए आज पूरे देश में सरकारी संस्थानों को बेचकर चंद पूंजीपतियों के हवाले करके आरक्षण की व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। ये गंभीर सवाल है। और मैं एक टिप्पणी करके अपनी बात खत्म करूंगा। भारतीय समाज में हम लोग तो सुना आपने काश बहुजनों के पास ऐसा अपना सांसद होता। ये सरकार 131 लोग SC ST के हैं, 182 लोग OBC के हैं और एक भी सांसद अगर इस तरह का अपने बहुजन समाज का होता जो इस तरह से सीना ठोक के संसद में बोलता तो समाज की ये हालत ना होती। बहुजन समाज के सांसद कैसे बोल रहे हैं ये देखिए सुनिए। पार्लियामेंट में पहल समाज नरेंद्र मोदी जी को आदत नहीं है, समाज को जोड़ने की उनको आदत है। ये है आपके राजनीति करने समाज की मोदी जी को आदत नहीं है, दलितों के लिए राजनीति करने की मोदी जी को आदत नहीं है। ना प्लीज आप बोले, प्लीज आप देवर टॉफी वो आपस में बात कर रहे थे, प्लीज आप बोला। दलितों के लिए राजनीति करने की मोदी जी को आदत नहीं है, उनको समतावादी समाज के निर्माण की आदत है। कांग्रेस को बदनाम करने की भी मोदी जी को आदत नहीं है, कांग्रेस को बदनाम करने की भी मोदी जी को आदत नहीं है, संविधान की रक्षा करने की मोदी जी को आदत है। तो ये आर्टिकल 341 के मुताबिक जो तमिलनाडु में जो सात जातियां है, जो देवेंद्र कुल्ला वेलल समाज है उनके उनमें मतलब देवेंद्र कुल्थन है, कड्डयन है, कलादी है, कुड़ुम्बन है, पल्लन है, पन्नाड़ी है, वाकिरयान है, इनके सात जातियों को अंतर्भूत करने का अधिकार ये पार्लियामेंट को है। और इसीलिए मतलब ये जो बिल लाया गया है ये बिल में ये जातियों पर कई सालों से अन्याय हो रहा था, कांग्रेस के कार्यकाल में भी होना चाहिए था। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बारे में आदर है कि वो हमारे विरोधी पक्ष नेता बन गए हैं, आपको सोनिया गांधी जी ने विरोधी पक्ष नेता बनाया है, यहाँ का नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति को बनाया है, हमारे थावरचंद गहलोत जी को याद। तो ये देखिए बीजेपी की लगातार कोशिश हो रही है कि आरक्षण पर, एक तो आरक्षण खत्म किया जा रहा है और उसके बाद शेड्यूल कास्ट में लोगों घुसा घुसा कर शेड्यूल कास्ट का कोटा नहीं बढ़ाया जा रहा बल्कि लड़ाया जा रहा है। यूपी में भी ये हो रहा है, ओबीसी की कुछ जातियों को शेड्यूल कास्ट में घुसाया जा रहा है, शेड्यूल कास्ट का ना कोटा आरक्षण, पहले तो आरक्षण ही खत्म किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की कॉन्स्पिरेसी चल रही है और उस कॉन्स्पिरेसी में SC ST OBC के लोग शिकार है। एकदम सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था एक बार, सतीश चंद्र मिश्रा क्या कह रहे सुन लीजिए। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, दो मिनट है सर। माननीय सतीश मानवर, मैं चाहता था भूपेंद्र यादव जी यहाँ होते लेकिन वो नहीं है, आज आप बोले बात पहुंच जाएगी। नहीं नहीं, इसलिए इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी मौजूदगी में बोला था, आप किसी और बुलवा दिए। आप रिकॉर्ड नहीं, आप लास्ट वक्ता है, माननीय जी आपके लिए माननीय मंत्री जी कर प्लीज। नहीं मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मुझे, मैं सुन रहा था उनका भाषण जब वो बोल रहे थे, तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, वरिष्ठ अधिवक्ता है वो और कानून और कॉन्स्टिट्यूशन का उनको बहुत अच्छा ज्ञान है, मैं ये एडमिट करता हूँ। लेकिन उन्होंने आज एक बात ऐसी कह दी अपने वक्तव्य में, जब हमारे साथी ने कुछ इधर से कमेंट किया, वो शायद कमेंट जो भी हुआ है, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिएक्शन में एक बात कही जो कि रिकॉर्ड में चूंकि आ गई इसलिए मैं समझता हूँ उसको सही करना जरूरी। उन्होंने कहा कि नागराज के केस के बाद उन्होंने कहा कि उसमें जो है BSP के ऊपर कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं उनसे ये चाहूंगा कि हमको जरा सा वो पैराग्राफ पढ़ के सुना दें, या आ गए भूपेन जी, मैं उन्हीं की मौजूदगी में बात करना चाहता था, जिससे कि ये ना हो कि मैं पीठ पीछे बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा BSP के ऊपर उन्होंने हमलावर होते हुए ये कहा कि आप खुलवाइए नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक टिप्पणी की गई। मान्यवर ये पूरे सदन को, लोकसभा को, राज्यसभा को, सभी को मालूम है कि जिस जजमेंट का वो जिक्र कर रहे हैं उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने किसी गवर्नमेंट के ऊपर टिप्पणी नहीं की,
उन्होंने संविधान का जो प्रोविजन था उसको उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए और जो 11 जजेस 13 जजेस की बेंच थी उसको ओवररूल करते हुए 5 जजेस ने एक निर्णय दिया और कहा कि इनका यहाँ पर डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि इनको कितनी क्वांटिफिकेशन है और इनको कितना वहां पर एडवांटेज मिल रहा है, कितने लोग उसमें ऑलरेडी है कि नहीं, इस तरह की बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कही जो वो किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं थी। उसके पहले इसी चीज का लेके हिमाचल प्रदेश और एक और प्रदेश का जजमेंट आ चुका था। मान्यवर हम लोगों ने उसके बाद यहाँ पर बात उठाई, लोकसभा में उठाई, राज्यसभा में उठाई, हमारी पार्टी की लीडर ने उठाया और कहा कि इसमें संविधान का संशोधन होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में इसमें रिव्यू फाइल होना चाहिए, लेकिन रिव्यू नहीं फाइल हुआ। और उसके बाद संविधान संशोधन के लिए जब हम लोग आंदोलित हुए, हम लोगों ने बात उठाई तो संविधान संशोधन के लिए बिल यहाँ पर लाया गया और इसी बात का संविधान का संशोधन बिल है। मान्यवर मैं चाहूंगा भूपेंद्र यादव जी उस बिल को उठा के देख लें, उसमें सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट को, जिस जजमेंट में उन्होंने एक नई चीज नई व्यवस्था करी थी उसको खत्म करने के लिए और जो सही व्यवस्था थी उसको लागू करने के लिए संविधान का संशोधन बिल आया और वो राज्यसभा में किस तरीके से पास हुआ था पूरे देश ने देखा। यहां से पास होने के बाद जब लोकसभा में गया था तो भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति ने खड़े होकर के उसको अपोज किया था और उस बिल को पास नहीं होने दिया और आज तक, आज 8वां साल चल रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी पावर में, उसके पहले कांग्रेस पार्टी थी, हम लोगों ने 8ों साल हमने बात उठाई, जब जब मीटिंग हुई ऑल पार्टी मीटिंग की उसमें मैंने स्वयं उठाया कि ये बिल कहां पर पड़ा हुआ डस्टबिन में, इसको निकालिए और इसको भी लेकर के आइए और इसमें भी बहस कराइए, इसको पास कराइए जिससे ही पूरे देश के जो दलित लोगों के साथ में अन्याय हुआ है वो खत्म हो सके। लेकिन वो बिल आज तक नहीं लाया गया और क्यों नहीं लाया गया इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी और अभी की तत्कालीन जो सरकार है वो जवाब देना चाहेगी। माधवर एक चीज और कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि भूपेंद्र यादव जी से मैं यही चाहूंगा कि इन्हीं की सरकार है यहाँ पर उत्तराखंड में, उत्तराखंड में आज के रोज जो आदेश जारी हुआ है, गवर्नमेंट ने आदेश किया कि कोई रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का नहीं होगा, किसी भी जगह शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन नहीं होगा, ये वहां पर कानून व्यवस्था चल रही है। और आज के रोज उन्होंने अभी तक क्वांटिफिकेशन की बात छोड़ी है और चीजों की बात छोड़ी है, अमेंडमेंट की बात छोड़ी है, लेकिन उत्तराखंड में देर इज नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो इसका जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी देगी या बीएसपी देगी? और इतना ही नहीं, इसके पहले ये कांग्रेस पार्टी में लौट, जो लोग हमारे साथ में इधर इधर राइट साइड बैठे हैं, इनकी सरकार से ये सिस्टम शुरू हुआ। हम लोगों ने आंदोलन किया कि ये रिजर्वेशन क्यों खत्म कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जब आई उन्होंने पूर्ण रूप से खत्म। आपका समय मान्यवर, हमारा ये कहना है कि जहां तक ये बिल है उसके संबंध में जो सबने चर्चा सुना आपने बारे में, लेकिन मैं ये संसद का भाषण है कि बीजेपी किस तरह से आरक्षण खत्म कर रही है, आपको अंदाजा लग गया होगा। मनोज, इसलिए मैं बहुजन लीडरशिप की बात करता हूं, मनोज झा का भी सुन लेते हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। विद दिस आई कंक्लूड माय एक्सप्रेसिंग आवर पार्टी सपोर्ट फॉर दिस बिल। थैंक यू माननीय विश्वंभर प्रसाद निषाद जी, नॉट प्रेजेंट, प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी, एक मिनट। माननीय उपसभापति महोदय, मैं क्या कहूं, खैर उस दिन मुरलीधरन जी ने बिजू बाबू जनता दल को अपनी तरफ से कुछ पद दे दिया था, नजरे ही ना आया था। माननीय उपसभापति महोदय, कम होता है ऐसा जब सरकार द्वारा लाए गए किसी बिल के पक्ष में मैं खड़ा हूं, मैं इसका समर्थन करता हूं। समय को लेकर के नहीं, दूसरी बात, समय को लेकर के कुछ आशंकाएं हैं महोदय, लेकिन अब इनके वक्त के चयन पर आशंका करने का भी दिल नहीं करता। तीसरी चीज है सर, जो कि मैं इसके माध्यम से कहूं कि आसमान की बुलंदी तक पहुंचने वाली जो कुछ संस्थान है हमारे मुल्क में, जो कभी लास्ट होप हुआ करती थी, लॉस्ट होप में तब्दील हो रही है। अगर सर बस अभी तो सर वहां दिखा भी नहीं है कुछ, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर उन संस्थानों में से ये कहा जाए कि 70 वर्ष तो हो गए, कितना और चाहिए, मैं समझता हूं ये सदन के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। हम में से कहीं भी हम कोई बैठे हुए संस्थानों से आने वाली आवाज अच्छी नहीं है, क्योंकि प्रतिनिधित्व का हाल देखना हो तो सदन से, मंत्रालय से लेकर के संस्थानों में हम देख ले। आखिरी टिप्पणी करके खत्म ही कर दूंगा सर, आगे कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अभी बाबा साहब पर बहुत बात होती है, कभी इधर से कभी उधर से,
बाबा साहब काउंटर फैक्चुअली सोचिए, अगर आएंगे ना तो अपनी मूर्ति नहीं देखना चाहेंगे, वो अपने लिए भवन नहीं देखना चाहेंगे, वो सहभागिता और प्रतिनिधित्व देखना चाहेंगे। इसलिए मैं आखिरी टिप्पणी ये कर रहा हूं महोदय आपके माध्यम से कि पूना पैक्ट पर, 1932 के पूना पैक्ट पर हम में जो जहां कहीं बैठा हो, ये वक्त आ गया है एक बार फिर से विचार करें, क्योंकि बापू अगर आ जाएंगे तो वो भी कहेंगे धन्यवाद। तो देखिए बीजेपी लगातार टोकनिज्म की राजनीति कर रही है, और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि बड़ी खबर, लेकिन जो अभी खबर है सोशल मीडिया पर, ओबीसी के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, ओबीसी के लोगों को आरक्षण नहीं दिया रहा है। तो ये सरकार आरक्षण बिल्कुल सिंबॉलिक राजनीति कर रही है, आरक्षण बिल्कुल खत्म हो गया है, और ओबीसी को नीट में पूरे देश में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। अब सरकारी नौकरियां भी नहीं बचेंगी, आरक्षण है, आपको चुनाव में मजा आ रहा है या आपने हक अधिकार की बात करना है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण कब तक, सोचिए, जिन लोगों ने 3,000-4,000 सालों तक जाति के नाम पर बिजनेस और जाति के नाम पर पढ़ाई को रिजर्व रखा, जिस सुप्रीम कोर्ट में आज भी कोलेजियम सिस्टम है, जज को चुनते हैं, मिश्रा जी का बेटा मिश्रा जी, फिर मिश्रा जी का पोता मिश्रा जी, उस देश में क्या चल रहा है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी को जगना पड़ेगा, और आप अपना हक अधिकार नहीं बचा सकते हैं तो ये आपके ऊपर है, आपको तय करना है। और रवीश कुमार ने काफी पहले ही कह दिया था कि एक दिन वो भी आएगा जब पत्रकार गले में ये टांग कर घूमेंगे कि वो फलाना पार्टी के पत्रकार है, ये देखिए प्रेस लिखा हुआ है और बीजेपी का झंडा लगे, देखिए ये स्थिति है भाई साहब। तो ये खबर है, और अभी सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड हो रहा है, मैं ट्विटर पर ट्रेंड भी आपको कुछ बता दूं जो बहुत जरूरी है, ट्विटर ट्रेंड देखिए, ये देखिए, वो CA NRC पर चुप रहे, वो दिल्ली सरकार के खिलाफ बिल पास हो गया है और सभी वर्ग के लोग मंडल कमीशन पढ़े और जो अनुशंसा अभी तक लागू नहीं उसके लिए आंदोलन करें। सोचिए 60% आबादी है ओबीसी की इस देश में, और उसको हक अधिकार नहीं दिया जा रहा, उसका डॉक्टर इंजीनियर आपको चपरासी कलर बनने में उनको एतराज नहीं है, और ये खबर टीवी अखबार पर भी नहीं दिखेगा, ना अजीत अंजुम बताएंगे, ना आपको रवीश बताएंगे, ना विनोद साक्षी जोशी बताएगी, ना आपको विशाल शर्मा बताएंगे, ये खबर तो आपको बहुजन समाज के लोग, बहुजन पत्रकार ही बताएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश के तमाम बहुजनों को किसी भी कीमत पर दिलीप मंडल को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके हक अधिकार पूरी तरह से छीने जा रहे हैं। और सोचिए कि हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी ओबीसी आरक्षण को नीट PG में, डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है MD की, उसमें लागू नहीं किया जा रहा है। तो आप क्या कर, आपकी क्या प्रतिक्रिया बताइए, संसद में भी 182 सांसद हैं ओबीसी के, 130 से ज्यादा SC ST के हैं, लेकिन कोई मुंह नहीं खोल रहा है। तो क्या हमसे नेता चुनने में गलती हो रही है, क्या हमारे जो नेता हुए उन्होंने पॉलिटिकल अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाया? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बंगाल, असम, बिहार का चुनाव आपको दिखाया जाएगा यूपी का, क्योंकि धर्म पर होता है, केरल और तमिलनाडु का चुनाव नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि वो पूरे परिवार और रोजी रोजगार के मुद्दे पर होता है। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।